नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं सोमन। आज आपसे एक वीडियो शेयर करना था। बेसिकली ये वीडियो कबूतर के ऊपर होगा। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि कबूतर के ऊपर वीडियो बनाई। समर आने वाला है तो कोलकाता में जो समर का रेस होने वाला है, पिजन रेस फ्लाई करने का, ठीक है, किसका कबूतर कितना घंटे उठता है उसके हिसाब से जो रेसिंग होता है, तो उसके बारे में आज का कुछ वीडियो है। मतलब रेसिंग तो कैसे करना है, क्या कुछ नहीं, वो सब नहीं दिखाऊंगा। बस आपको ये दिखाऊंगा कि एक कबूतर को आप जहां से खड़े हैं वहां से ही अपने छत से अगर छोड़ेंगे या जहां से भी हैं तो छोड़ेंगे तो वो कबूतर डायरेक्ट आसमान में फ्लाई करने लगता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग कबूतर को भगाते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, दूर से छोड़ते हैं तब वो फ्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है, आपका कबूतर आपके ही इलाके से, आपके ही छत से, आपके ही जहां से खड़े सेटअप से वहां से ही छोड़ देंगे ऊपर तो वो डायरेक्ट फ्लाई करने लगेगा और बहुत ही तेजी से फ्लाई करेगा। सारे मद्रासी कबूतर है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करना और ऐसे ही पिजन से रिलेटेड वीडियो कुछ देर बाद और आएगा, ठीक है। रेसिंग के लिए आप कैसे, किस तरीके का पिजन को आपको परचेस करना होगा, किसका एज का, किस तरीके का क्वालिटी का पिजन अगर आप कबूतर परचेस करेंगे तो वो रेस में फर्स्ट आएगा या मतलब रेस करेगा, ठीक है। 6-7 घंटा नॉर्मली उड़ता है, डोपिंग अगर आप करवाएंगे तो वो 10-12 घंटे तक फ्लाई कर सकता है, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, आशा करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये वन बसेना टसेना All right.